हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइस, मैं आपको क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स कराऊंगा हिंदी में। अगर आप क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा गाइस, ताकि आपके लिए मैं रोज़ाना जो इकोनॉमिक्स की जो वीडियो अपलोड करता रहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाए गाइस। साथ ही साथ अगर आपको ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा उस पर कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइस। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर था, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य तथा प्राप्तियां, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इस पर ऑलरेडी मैं आपके लिए दो वीडियो बना चुका हूँ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो ये है कि भाई जो 1991 से पहले जितनी भी हमने पंचवर्षीय योजना अपनाई थी, जो भी हमारी आर्थिक नीतियाँ थी, उसकी जो है क्या विशेषताएँ थी। देखो एक्चुअली हुआ क्या था कि भाई जैसे हम जानते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम जो है बिल्कुल भी ट्रैक पर नहीं थे, और ट्रैक पर लाने के लिए हम जो है पंचवर्षीय योजनाओं का अभी तक क्या कर रहे हैं, सहारा ले रहे हैं। तो अब क्या हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, 1 अप्रैल 1991 से, तो तब से लेके अब तक हम पंचवर्षीय योजनाएं लागू होए जा रही हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 1991 के बाद तो बहुत ही बदलाव आए, तो इस वजह से क्या हुआ, इस इंटरवल को जो है दो जगह ब्रेक कर दिया गया, एक तो 1991 से लेके 1991 तक, और एक 1991 से लेके अब तक जो चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि 1991 से पहले हमने जितने भी आर्थिक नीतियाँ जो अपनाई थी, जो भी हमारी योजनाएँ थी, उनकी जो है क्या क्या विशेषताएँ थी। हम यहाँ पर जो है इस इंटरवल के बीच में, या 1951 से लेके 1991, इस इंटरवल के बीच में जितनी भी हमने आर्थिक नीति अपनाई है उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम 1991 के बाद जितनी भी आर्थिक नीति है, पंचवर्षीय योजना कह सकते हैं, जो भी, उसके बारे में डिस्कशन हम नहीं करने वाले हैं। आपका जो एग्ज़ाम में आना है वो ये आना है कि 1991 से पहले जितनी भी हमने नियोजन के अंतर्गत आर्थिक नीति अपनाई थी उसकी विशेषताएँ क्या थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो वो ये है कि भाई तब हम जो है सार्वजनिक क्षेत्र पर जो है बहुत भरोसा करते थे। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि हम सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई तीन तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मैंने आपको बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, भारत और पाकिस्तान। हमने क्या करा था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसको अपनाया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें ये कह सकते हैं निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होते हैं, बट फिर भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी उस क्या देखा गया, हमने सार्वजनिक क्षेत्र पर जो है अधिक भरोसा दिया गया, निजी क्षेत्र पर जो है इतना भरोसा नहीं किया गया। ये देखा गया कि भाई अगर समाजवादी ढांचे का जो उद्देश्य है, अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास कर देना तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम निजी क्षेत्रों के उद्योगों का विकास करके अपना जो समाजवादी जो राज्य का जो उद्देश्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास करें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, सार्वजनिक क्षेत्र पर, सिंपल सा कहने का मतलब ये है, हम सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक भरोसा करते थे, निजी क्षेत्र पर हम अधिक भरोसा नहीं करते थे। जबकि हमारे पास थे दोनों ही, निजी और सार्वजनिक दोनों थे, क्योंकि हमारी क्या थी, हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र होते हैं, बट फिर भी हमने सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक भरोसा किया, निजी पर इतना अधिक भरोसा नहीं किया। दूसरा है निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास, निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास। अब मैंने आपको क्या बताया पहले पॉइंट में कि हमने निजी क्षेत्र पर क्या करा, इतना भरोसा नहीं किया। हमें ये लगा कि हम अगर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास करें तो हम अपने उद्देश्यों को अचीव कर लेंगे। इस वजह से क्या करा हमने, निजी क्षेत्र पर ये कह सकते हो कई सारे जो है प्रतिबंध लगा दिए कि भाई अगर आपको भाई निजी क्षेत्र पर उद्योगों को स्थापित करना है तो आपको भाई लाइसेंस लेना पड़ेगा, या आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या अगर आपका अपने उद्योगों का विकास करना है तो उस पर कई सारी जो है हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। क्यों, क्योंकि हमें विकास किसका करना था, हमें विकास करना था सार्वजनिक क्षेत्र का, ठीक है, निजी क्षेत्र का हमें विकास नहीं करना था। तो उसको
विकास ना करने के लिए हमने क्या करा उसको, भाई अगर आपको निजी क्षेत्र की इंडस्ट्रियाँ खोलनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, या अगर आपको अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ करनी है, विकास करना है, तो उस पर हमने अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगा दिए। तो दूसरी विशेषता जो है ये थी। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें ये है छोटे पैमाने के उद्योगों का संरक्षण तथा बड़े पैमाने के उद्योगों का नियमन। यहाँ पर क्या किया गया, देखो कह रहा है छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण, इसका क्या मतलब होता है, संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन कह सकते हो और नियमन मतलब रेगुलेशंस कह सकते हो। क्या देखा गया भाई, जो छोटे पैमाने के मतलब जो लघु उद्योग होते हैं, मतलब जो क्या हुआ उस टाइम पर कुछ क्षेत्रों को, मतलब ये कह सकते हो उत्पादन के कुछ क्षेत्रों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया। मतलब क्या हुआ इसका कि भाई इस क्षेत्र के अंदर, इस उत्पादन क्षेत्र के अंदर केवल लघु उद्योग ही होंगे, बड़े पैमाने के उद्योग जो हैं यहाँ पे नहीं होंगे। इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन करेगा वो केवल लघु उद्योग ही कर सकता है, छोटे पैमाने के उद्योग ही कर सकते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग जो है नहीं कर सकते हैं। अब जो लघु उद्योगों को उनकी जो भी आवश्यकता थी उसको पूरा करने के, मतलब अब लघु उद्योगों को क्या चाहिए भाई, पैसे वगैरह चाहिए, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरीके की ये कह सकते हो वित्तीय संस्थाएँ जो होती हैं वो स्थापित की गई। और क्यों स्थापित की गई, ताकि उनकी हेल्प हो सके, वो ज़्यादा उत्पादन कर सके और वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको, उनके प्रोडक्ट को पूरे, ये कह सकते हो पूरे देश में, पूरे बाजार में फैलाने के लिए अलग अलग तरीके के बोर्ड स्थापित किए गए। जैसे ये कह सकते हो रेशम बोर्ड कह सकते हो, या हथकरघा बोर्ड कह सकते हो, मतलब जो हाथ से बनी हुई जो वस्तुएँ होती हैं, अलग अलग तरीके के बोर्ड स्थापित किए गए ताकि जो भी छोटे पैमाने के उद्योग जो भी वस्तुएँ बना रहे हैं उन वस्तुओं को पूरे बाजार में फैलाया जा सके। तो पहले हम जो है इस छोटे पैमाने के उद्योगों को अधिक संरक्षण दिया गया था। चौथी विशेषता की अगर हम बात करें यह है सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास। अब ये क्या दिक्कत परेशानी है, सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास, इसको समझने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये सामरिक महत्व के उद्योग किसे कहते हैं, ये क्या दिक्कत क्या परेशानी है। तो अगर हम सामरिक महत्व के उद्योगों की बात करें तो ये एक ऐसे उद्योग होते हैं जो भाई बिजली का उत्पादन करते हैं, इंजीनियरिंग वस्तु के उद्योग जो होते हैं, या जो लोहा, जो इस्पात वगैरह के जो उद्योग होते हैं उनको हम जो है सामरिक महत्व के उद्योग कहते हैं। ठीक है, मतलब जो एक यूनिवर्सल इंटरमीडिएटरी का जो प्रोडक्शन करते हैं उसको हम सामरिक महत्व के उद्योग कहते हैं। तो पहले हम जो है इन उद्योगों पर अधिक, ये कह सकते हो फोकस करते थे, इनके महत्व को देखते हुए इनका विकास हमको करना पड़ गया। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है जी बचत तथा निवेश पर बल। बचत तथा निवेश पर बल क्या हुआ, उस टाइम पर हमने क्या करा, बचत और निवेश पर अधिक फोर्स किया। कैसे फोर्स किया भाई, जो बचत करता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि बचत करो, उनको हमने क्या दिया, बचतकर्ता को क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, उसको चाहिए इंटरेस्ट। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या करा, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ऊंची ऊंची ब्याज दरें दे दी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दरें दी। और जो निवेश करता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या करा, उनको आर्थिक सहायता दी। तो बचतकर्ता और निवेशकर्ता दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए हमने अलग अलग चीज़ों का सहारा लिया, बचतकर्ताओं को इंटरेस्ट से और निवेशकर्ताओं को आर्थिक सहायता या पूंजीदान से भी कह सकते हो। दोनों तरीके से हमने निवेशकर्ताओं को अट्रैक्ट किया कि वो निवेश करें। तो उस टाइम पर हम बचत और निवेश पर क्या करते थे, अधिक फोकस करते थे। उसके बाद है विदेशी प्रतियोगिताओं से संरक्षण। ये क्या दिक्कत परेशानी है, विदेशी प्रतियोगिताओं से संरक्षण मतलब भाई जो विदेशी वस्तुएँ होती है ना उनको, जो घरेलू, हमारी जो घरेलू इंडस्ट्रियाँ हैं उनको विदेशी प्रतियोगिताओं से संरक्षण, प्रोटेक्शन दी गई। कैसे प्रोटेक्शन दी गई, कि भाई जो आयातों पर हमने क्या करा, ऊंची दर से आयात शुल्क लगा दिया और कई तरीके के प्रतिबंध, कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने से क्या हुआ, इससे घरेलू उद्योगों को कई ये कह सकते हो कई अलग अलग तरीके से जो है संरक्षण मिला एक विदेशी प्रतियोगिता से। तो घरेलू उद्योगों से इससे क्या हुआ, उनकी वस्तुएं और सेवाएं क्या हुई, ज़्यादा बिकने लग गई एक तरीके से। सातवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह आयात प्रतिस्थापन पर अधिक बल। आयात प्रतिस्थापन का सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आयात प्रतिस्थापन का बेसिकली मतलब क्या होता है। आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जो वस्तुएं हम दूसरे देशों से आयात करते हैं उसको किसी भी तरह अपने देश में बनाना, उसको हम कहते हैं आयात प्रतिस्थापन पर।
उसे आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। तो तब के टाइम पर जब 1951 से लेकर 1991 पर हमने जो है आयात प्रतिस्थापन पर अधिक बल दिया। हम ये चाहते थे कि जिन वस्तुओं का हम दूसरे देशों से आयात करते हैं उसको हम कैसे भी करके अपने देश में जो है बनाएं। आठवां है विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध। विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध का क्या मतलब होता है भाई? आपको विदेशी पूंजी का मतलब पता होना चाहिए। मतलब आपने एक सुना होगा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब जब विदेशी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सिंपल से मीनिंग अगर मैं बोलूं, जब विदेशी हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करते हैं तो उसे FDI कहते हैं। तो उस टाइम पर हमने क्या हुआ, उस टाइम पर हम इस चीज़ को इतना फोकस नहीं करते थे, हम इसको अच्छा नहीं मानते थे। हम एक बारी को उनसे लोन लेना या उनसे उधार लेना, ये कह सकते ऋण लेना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल समझते थे एज कंपैरिजन टू FDI। हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे देश में आके इन्वेस्ट करे, बल्कि इस चीज़ पर अधिक फोकस करते थे कि हम उससे ऋण ले लें। तो ये वो आठ विशेषताएं थी जो कह सकते हो भाई 1951 से लेकर 1991 की जो अवधि थी उसके बीच में हमने जितनी भी अपनी पंचवर्षीय योजना, जो भी अपनी आर्थिक नीति अपनाई थी, ये उसकी विशेषताएं हैं। ये आठ विशेषताएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके 100% कंपलसरी है, ये आ सकती है। इसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है परेशान करने के लिए, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहें वहाँ पर पूछ सकते हैं, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर आप जो है मेरे से पूछ सकते हो गाइस। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो दिक्कत जो परेशानी आपकी सॉल्व हुई है, वो दिक्कत वो परेशानी आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स वगैरह की भी जो है सॉल्व हो जाए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना मैं इस चैनल पर जो है अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।